भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक सुनना। आज बहुत ही जरूरी एक मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और आप सब भाई बहनों से ये उम्मीद करते हैं कि आप सब कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर देंगे। सबसे पहले हम उसी मुद्दे को आपके सामने रख रहे हैं। कृपया ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करो ताकि और भी सब भाई बहन अपनी अपनी राय इसी कमेंट बॉक्स में देकर के जाएं। लिखा है आंगनबाड़ी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इस तरह से लिखा है। इसमें बहनों को कितना भ्रमित किया जा रहा है, आंगनबाड़ी कर्मचारी कहां है, यह तो कर्मचारी है ही नहीं। केंद्रीय सरकार के अनुसार आंगनबाड़ी अवैतनिक कार्यकर्ता हैं, वह अंशकालीन कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में दिए गए हलफनामे के अनुसार आंगनबाड़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो ये मैटर तो बहुत बार सामने आया है जिसमें कहा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता है, किसी भी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आती है। पहले भी मैंने इस मैटर को आपके सामने रखा था, समझाया था। एक ये मैसेज सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप वाला टहल रहा है, किसी बहन ने मुझको भेजा है, उन्होंने अपना नाम पता भी नहीं बताया है, लेकिन इसमें जो लिखा है मैं चाहता हूं आप सब उस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय यानी क्या ओपिनियन होना चाहिए, उसको कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। बाकी इसमें जो भी आपको सही लगता है, जो भी गलत लगता है, जो भी कहना चाहो, हर कोई स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। ये ऑल इंडिया एक फैमिली की तरह है, यहां सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और अपनी अपनी राय कहने का। हर कोई इंसान, सब कोई तो जो एक जैसा सही नहीं हो सकता है, किसी की अपनी सोच, किसी की अपनी सोच है, तो मौका सबको मिलना चाहिए, सबकी सोच का स्वागत है। लिखा है जिनको सरकार मानदेय के रूप में 4500 रुपया केंद्र सरकार और 1000 रुपया राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार का मैटर है और उत्तर प्रदेश सरकार देती है, और हम सीधे सरकार से कहने लगते हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दीजिए, उससे पहले कम से कम अपने एग्रीमेंट को तो पढ़ लेना चाहिए। कौन से एग्रीमेंट को? जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पर आपको एक लेटर वगैरह दिया गया होगा, उसमें आपकी सेवा शर्तें लिखी होंगी, उसमें किस यानी तरह से आपको नौकरी में लगाया गया है, मानदेय आधारित या किस तरह से, उसको अगर किसी के पास अच्छे तरीके से रखा हो कॉपी उसकी एक भेज देना, मैं उसको शामिल करूंगा एक वीडियो में, ठीक। उससे पता चल जाएगा कि आंगनबाड़ी बहनों के एग्रीमेंट में आखिर क्या लिखा हुआ है। लिखा है लेकिन फिर भी कुछ हमारी बहनें थोड़ी सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण आंगनबाड़ियों की बहनों को भीड़ की तरह इस्तेमाल करने लगती हैं, जबकि उन्हें पता है जो सपने वह दिखा रही हैं वह पूरे होने वाले नहीं हैं। सपने कौन से? मानदेय बढ़ोतरी के नहीं, सपने राज्य कर्मचारी के दर्जे के। राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कोई भी आज तक ऐसा राज्य नहीं हुआ जिसने आंगनबाड़ी बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया हो। यहां तक कि नियमितीकरण करने के लिए जो है सरकार ने, काफी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, वो सत्ता में भी आए और वो मांगों को पूरा नहीं किया उन्होंने। जब ये मैटर विधानसभा या अन्य अन्य जगह पहुंचे सदन वगैरह में, तो साफ साफ बोल दिया गया आंगनबाड़ी जो है उनका नियमितीकरण नहीं हो सकता, नियमित नहीं हो सकती। अब हम लोग नियमित कर्मचारी भी नहीं है, आप समझ सकते हो, नियमित कर्मचारी भी नहीं है, तो यहां पर इस तरह से केवल समाज सेवी के रूप में है, मानदेय आधारित हम लोगों की सेवाएं हैं, तो आप यहां पर ये समझना, ये तो कड़वा है और किसी भी स्टेट में जो है बहनों को लाभ नहीं मिला। उदाहरण झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले कहा था, अपने वचन पत्र में भी रखा, सत्ता में आए, लेकिन बाद में लेटर जारी हुआ तो आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर भी साफ साफ बोल दिया गया आंगनबाड़ी नियमित नहीं हो सकती। ऐसे ही आपका मध्य प्रदेश या राजस्थान, इन दोनों में से एक जगह भी नियमितीकरण का झांसा मिला था बहनों को, वहां पर भी एन मौके पर पार्टी सत्ता
सत्ता में आने के बाद फिर वो पलट गए, बोले आंगनबाड़ी नियमित नहीं हो सकती। तो बाकी के अदर के स्टेट वाले, आप लोग अगर फिर उसी मांग करते हो उसी चीज की, तो ये अपने आप में एक धोखे जैसा ही तो नजर आ रहा है, क्योंकि वो तो सपना है, वो पूरा नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आप संघर्ष करो, उसके सपने देखो और दिखाओ, उसके लिए संघर्षरत रहो तो ठीक है, लेकिन राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना ये समझ से परे है। आप समझ रहे ना हमारी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को समझना। यहां पर लिखा है क्योंकि इसका रास्ता सड़क से नहीं माननीय उच्चतम न्यायालय से निकलेगा, राज्य एवं केंद्र की सरकार इन्हें बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल जो है करती रहेगी, जिला स्तर पर अधिकारी शोषण करते रहेंगे और वह बेचारी कोल्हू के बैल की तरह लगी रहेंगी, अधिकारी मनमर्जी से उनका इस्तेमाल करते रहेंगे, यदि वह अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई अन्य काम करेगी तो अधिकारियों को जो है लिखा हुआ है उनको धमकी देंगे कि आप आंगनबाड़ी के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं, हाँ यदि उनको आवश्यकता होगी तो वह आपसे बीएलओ जैसे काम, जनगणना वाले काम, आर्थिक गणना वाले काम, स्मार्ट कार्ड, पोलियो काम और मरीजों को ढूंढो और कोरोना के टीकाकरण वाले काम, गिनती इन सब की आप कर लो, ऐसे तमाम हैं ठीक, न जाने और कौन कौन से काम है, वो सब आपसे विभाग करवा लेगा। कब करवा लेगा? अपने काम के लिए करा लेगा, फायदे के लिए, लेकिन आप अन्य कोई काम वगैरह वैसे नहीं कर सकते, इसके लिए वो मना करते हैं। आप निर्वाचन में जो है यहां पर फॉर्म नहीं भर सकती, यानी चुनाव नहीं लड़ सकती, इसके लिए वो आपको बाहर करते हैं। अब आंगनबाड़ी का जो पद है कोई लाभ का पद तो है नहीं, तो यहां पर समाज सेवी का पद है, ऐसे में आप समझो जब गवर्नमेंट इनको कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रखती, इनका नियमितीकरण नहीं कर सकती, तो फिर यहां पर इनको फिर ऐसे धौंस क्यों दिखाई जाती है विभाग की तरफ से, इनका शोषण क्यों होता है विभाग की तरफ से, ये तो अपने आप में सवाल है ना। अब आप समझिए उनके नियम कहां चले जाते हैं जब वो खुद बहनों से काम लेते हैं और उन्हीं हमारी चार आईसीडीएस की जो मुख्य सेवाएं हैं उनको वो प्रभावित करते हैं, अन्य काम बहनों से कराते रहते हैं। जैसे आपने देखा कभी कभी कहते हैं कि चुनाव वाले आयोग में कि जो भी पर्दा नशी महिलाएं आती हैं उनका घूंघट उठाओ, उसमें ड्यूटी लगा दी। कभी क्या होता है जहां जो है मुर्दा शमशान घाट होता है, मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां पर मैंने देखा था एक बार जो है किसी जगह लेटर जारी हुआ था अधिकारी का, वहां पर बहनों की ड्यूटी लगी। आगरा में देखा था वहां पर शराबियों की शराब छुड़ाने में ड्यूटी लगवाई गई थी, उनको समझाओ जागरूकता फैलाओ। अरे इनके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो बहनों के नहीं है और वो भी उन पर थोपे जाते हैं। अब समझो कोरोना वाले कोविड वाले काम, हर काम बखूबी किया लेकिन क्या उस काम का मेहनताना उनको मिला? नहीं मिला। आप जानते हैं बाकी लोगों को मेहनत का पैसा मिल रहा लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर को नहीं मिल रहा। लिखा है किसी आंगनबाड़ी ने स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी आमदनी का कोई अन्य स्रोत तैयार अगर कर लिया तो अधिकारियों के पेट में दर्द होने लगेगा। इसमें लिखा है डीपीओ सहारनपुर के द्वारा दिए गए एक स्पष्टीकरण के अनुसार आंगनबाड़ी एक लाभ का पद है, जबकि ऐसा नहीं है, आंगनबाड़ी कोई लाभ का पद नहीं है। उनके ही अनुसार आंगनबाड़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन आंगनबाड़ियों का शोषण करने के लिए वह कुछ भी बोल सकते हैं और हम सीधे राज्य सरकार जो है कर्मचारी की मांग कर रहे हैं। क्या यह संभव है? यदि नहीं तो बहनों को क्यों सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं? एक मैटर अज्ञात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसके बारे में देखो मैं पुष्टि नहीं करता इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपने जो सुना है उस पर आपकी राय में बस मांग रहा हूं और इसी जो है मकसद के साथ में आपको ये दिखाया जा रहा है, अन्य इसका कोई भी जो है यहां पर वजूद नहीं है, यानी अन्य इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं। अब बात करते हैं यहां पर नीलम श्रीवास्तव बहन है जो कि बाराबंकी से आती है। आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं दिख रही है प्री प्राइमरी स्तर की सुविधाएं, बताओ कैसे दिखेंगी सुविधाएं जब प्री प्राइमरी की किट मिल रही हैं, वो उनकी हालत कैसी है? कुछ जगह ठीक ठाक बटी, बाकी जगह प्री प्राइमरी में प्राइमरी गायब है, केवल प्री रह गया है, यानी जो किट आनी थी उसमें आधे से ज्यादा, आधा तो छोड़ दीजिए, अगर 100% में आप 1% निकालो तो 1% सामान कहीं कहीं बहनों को मिला है, उसमें भी आधी चीजें गायब है। अब आप समझो प्री प्राइमरी की जब किट में ही इतना घपलेबाजी होगा तो पढ़ाई प्री प्राइमरी की कैसे शुरू हो जाएगी? विभाग को मिली है प्री स्कूल किट, अब प्री स्कूल किटों का हाल तो आपने जाना है, मिलना क्या क्या था प्री स्कूल किट में वो भी मैंने सरकारी आदेश के साथ बताया था, कौन कौन चीजें कितनी कितनी मात्रा में आनी चाहिए, वो भी नहीं मिला। बहुत जगह बहनों को क्या मिला है प्री प्राइमरी के नाम पर,
वो जानती हैं ऑल इंडिया क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। बाकी मानना ना मानना विभाग की मर्जी है, और वर्कर बहने उसका विरोध भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि विभाग ने कठपुतली बना करके रखा हुआ है, और बहनों को भी जो है काफी चीजें हैं, काफी लड़ नहीं पाती हैं, काफी में कुछ डर बना रहता है। उसके कई कारण हैं, समझदार लोग सब समझते हैं। बात करते हैं मनरेगा से 15 गांवों में बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। मुरादाबाद में यह खबर छपी है, डीएम ने इन गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की मंजूरी दे दी। खैर अच्छी बात है, निर्माण हो जाए, आंगनबाड़ी में पढ़ाई शुरू हो जाए इनमें, तब अच्छी बात है। क्योंकि बनने के लिए मंजूरी देना कोई बड़ी बात नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके निदेशालय वाले देख लें, आज के 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले के जो आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रस्ताव आया था, क्या वो बन गए हैं? क्या वो अगर नहीं बने हैं तो फिर क्यों नहीं बने हैं? उनको तो बन जाना चाहिए था ना इतने सालों में। अगर आज जो मंजूरी मिली है ये भी अगर नहीं बनते भविष्य में इतने इतने सालों तक, तो क्या फायदा है बनने ना बनने का? खुद सोचिए ना, बहुत से जगह केंद्र के लिए प्रस्ताव सब पास हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन केंद्र बनता ही नहीं है, ये आलम है। तो यहां पर जमीन पर भी वो काम तो होना चाहिए, कागजों पर होना बड़ी बात नहीं है। विनीता बहन मुरादाबाद से हैं, उन्होंने इस मैटर को भेजा था। इनके अलावा बात करते हैं, ये ममता बहन सीतापुर से आती है, और यहां पर बिना भवन के चल रहे हैं, देखिए 2000 आंगनबाड़ी केंद्र सीतापुर में। इस तरह से आप देख सकते हो, यहां पर 4232 में से आधे से अधिक केंद्रों को भवन की दरकरार है, यानी दरकार है। प्री प्राइमरी के रूप में केंद्रों का संचालन यहां पर होना था, उस पर संशय बना हुआ है, क्यों नहीं बनेगा? मैंने पहले भी कहा था, आंगनबाड़ी केंद्रों का ही हाल अभी बेहाल है। प्री प्राइमरी के गवर्नमेंट सपने दिखा रही है, गुजराती मॉडल बता रही है, अब मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बना रही है, जबकि अभी खुद के भवन तक विभाग जो है हैंडओवर आंगनबाड़ी बहनों को नहीं करवा पाए हैं। बात करते हैं, यहां पर विमल देवी जालौन से आती है, उन्होंने एक मैसेज किया, सुधांशु भाई नमस्ते, यूपी में बहनों की रिटायरमेंट होने के बाद में क्या मिलेगा? यूपी में रिटायरमेंट होने के बाद में कुछ नहीं मिलेगा, ये ऑल इंडिया का जवाब है आज तक के जारी आदेशों के मुताबिक। आगे गवर्नमेंट क्या लाती है वो हम पहले से देखो बता नहीं सकते, हम कोई जो जूनियर जी समझो, या मिस्टर इंडिया, या फिर कुछ और समझो, या फिर वो महाभारत वाले संजय समझो, दूरदृष्टि हो तो मैं आपको बाकी का आगे का सब भविष्य देख करके भी बता दूं, या कहां क्या हो रहा है वो भी मैं देख करके बता दूं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या सोच रही है वो मैं बता दूं, जो होगा, जो लेटर जिसका जारी होगा लिखित में, मैं वही बातें आपको बता सकता हूं। ना तुक्के में कुछ मैं कहूंगा, ना ही फर्जी में कुछ कहूंगा, क्या जो नहीं है उसको मैं नहीं ही बताऊंगा। बाकी देखिएगा, वेस्ट बंगाल, सबको पता है वेस्ट बंगाल में 3 लाख रुपया आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट में मिलेगा, इसका आदेश भी निकल गया और काफी महीने भी बीत गए हैं, और उस आदेश को भी ऑल इंडिया मैंने दिखाया था। तो पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी बहनें जब रिटायर होती हैं तो वहां पर 3 लाख रुपया उनको सरकार देगी, इसका आदेश आ गया था। यूपी में योगी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, और केवल योगी सरकार का ही यहां पर होना नहीं है, इसके पहले भी तो सरकारें हुई हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। खैर योगी सरकार, इनसे उम्मीदें थी, इन्होंने नहीं किया, ये भी जो है ये बस दुख वाली बात है। अब बात करते हैं सहरसा, समाहरणालय सहरसा में एक लेटर जारी हुआ था। सहरसा में देखिएगा, यहां पर 7 अक्टूबर को कोविड टीकाकरण के अंतर्गत दिनांक 18 से 20 अक्टूबर तक जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं द्वारा छूटे हुए लाभार्थियों का मतदाता सूची के अनुसार महासर्वे किए जाने के संबंध, बताओ अभी तक सर्वे चलते थे, अब महासर्वे भी नाम आ गए हैं। अब बताओ एक दिन इस सर्वे पर सर्वे, सर्वे पर सर्वे, ये काम ही तो है गवर्नमेंट जो ले रही है, ये एक्स्ट्रा ही तो काम है जो हमारा नहीं होना चाहिए था, फिर भी हमसे लिया जा रहा है, क्योंकि सेवा शर्तों में इसका कोई उल्लेख नहीं था। अब है तो गवर्नमेंट इसका पैसा भी तो दे। सुनने में आता है स्वास्थ्य विभाग वाले कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन जो है लगवाने पर पैसा मिलता है प्रति डोज के हिसाब से, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश नहीं है उसका, ऐसे मौखिक बातें चलती रहती, तो मैं मौखिक पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता। फिलहाल के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग की बात है, लेकिन काम अगर गवर्नमेंट करा रही है तो कुछ ना कुछ तो इनको मेहनताना देना चाहिए था इन कामों का, सिर्फ काम लेना ये भी तो गलत है। आगे देखिएगा, यहां पर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से एक लेटर आया 9 अक्टूबर को। या तो देखो रीजन है इसके, काम का पैसा देना, अगर पैसा ठीक ठाक हो, मान लो 10-20-30-40 हजार हो जिन कर्मचारियों का, उनको आप काम कितना भी लो वो पैसा काफी है 40-50 हजार, लेकिन जिनको 5,000 या 5,500 रुपए मिले उन पर आप काम पर काम लादते चले जाओ, बंधुआ मजदूरी की तरह उन पर काम बढ़ा दो बोझ, और उनसे फिर जो है काम भी काम लो पैसा ना बढ़ाओ, तो वो गलत है। उनका मेहनताना अगर ठीक ठाक हो
तो अलग बात है, तब थोड़ी ना मांग करे कोई, तो बार बार मांग करे कि अभी एक्स्ट्रा काम है इसको और पैसा दो, तो गलत बात है। लेकिन यहां पर जब पैसा पहले से इतना कम है जिससे घर का खर्चा महंगाई के हिसाब से कभी चल ही नहीं सकता, 5500 में सोचो कैसे गुजर बसर होगी, तो अब आप समझो, तो ये और एक्स्ट्रा ऊपर से काम जो है उसका प्रेशर, तो कैसे सब चलेगा। ये 9 अक्टूबर को एक लेटर निकला कोविड वाला, 18 से 20 अक्टूबर को होने वाला है बिहार में, तो पूरे बिहार में ये होगा। देखिए कोविड टीकाकरण वाला जो भी महासर्वे जो है वो 18 से 20 अक्टूबर के बीच में कराया जाएगा, जो भी छूटे हुए लाभार्थी हैं मतदाता सूची के अनुसार जो है आशा और आंगनबाड़ी बहनें उनका पूरा नाम पता सब पूरा निकाल लेंगी। फिलहाल के लिए इसमें देखिए क्या लिखा है, पहली खुराक से आच्छादित होने पर 1 नंबर, ये ऐसे दोनों खुराक आच्छादित होने पर 2, दोनों में से कोई भी खुराक नहीं लेने पर निम्न सूचकांक दर्ज करने होंगे, खुराक लेने के लिए तैयार होने पर ओके, घर पर किसी भी कारण से अनुपस्थित होने पर एक्स ए, साथ ही गांव से बाहर शिफ्ट होने की स्थिति में एक्स फाइव, और उक्त व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में एक्स, यहां पर साइड डी लिखा हुआ है यानी एक्स और उसके बाद डेथ, ठीक, किसी भी कारण से टीका होने जो लेने से इनकार की स्थिति में एक्स आर, आर यानी रिजेक्ट वाले टाइप से उनका कुछ सिंबल होगा, इस तरह से आपको ये शो करने होंगे अपनी रिपोर्ट में। खैर अब दोस्तों चलते हैं आगे, और भी आपको बताना है, काफी कुछ जानना है। जैसे ये है कुंदन भाई सहरसा से, उन्होंने भेजा था बलरामपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं जहां पर भर्तियां चल रही हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सरिता संत कबीर नगर से बहन आती हैं और मीरा देवी जालौन से आती हैं, इनके अलावा सुधा से दाक नगर से आती हैं और ये ओनम त्यागी अमरोहा से आती है, और इनके